बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं भी थोड़ी देर पहले ना फेसबुक पर हैप्पी रॉ की बात सुन रहा था, बड़ा मज़ा आया। हैप्पी रॉ जी, खुश रहो, जींदा रहो। और तन्ना बड़ी मज़े की बात करी भी, अपने बड़े हिंदुस्तान में से लेकर के आए थे, अपनी माँ बोली जबान ही लेकर आए थे, बाकी चार छीतड़े, बाकी तो सब कुछ छोड़ आए थे। अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी तलीम एम ए उर्दू है, घर में PhD डॉक्टर बच्चियाँ बच्चे भी मौजूद हैं। जिन्हें अपनी बोली बोलते शर्म आवा ना, वह कहीं ऊँ डूब के मर जाओ, अपनी बोली ना छोड़ो। अंग्रेजी बोलो, लिखो, उर्दू बोलो, पढ़ो, बड़ी खुशी की बात है, पर अपनी जुबान थे कदी ना बोलो और कदी ना शर्माओ अपनी जुबान बोलते हुए। मारी माँ बोली जुबान वर्गी मिठी जुबान और पुरानी जुबान है ही कोई नहीं। बल्कि मेरा तो ना नाना कह करा था, भाई जिन्ना अपनी बोली बदल ली उन्ना अपना जन्म बदल लिया। और ठेठ बोलो, टका का अपनी जुबान में बात करो, जमीन देखो कौन देख रहा थारे कानी, के बात कर रहा और के नहीं कर रहा। अपनी जुबान बदलोगे ना, थारी जात का रोब घट जाएगा, उतनी शख्सियत असराड़ी नहीं रहती। इस जुबान का रोब और असरी तो है, जो सब बोलते हैं अगले ने बता दे, भाई कोई खानदानी बंदा, भाई राजपूत बताने की लोड़ कोई नहीं, फिर सर अपना लबो ले जा, अपना अंदाज आ जाएगा। बात हैप्पी रॉ की यो भी ठीक है, बीमारी बाणा घर माँ या बहू बेटियां, ये हमारे कई भाई ऐसे हैं माशाल्लाह, भी मैं बोल दियो न्यू शर्मावा जिस तरह अंग्रेज की ला दा, भाई पुराने पुराने लफ्जों का भी इस्तेमाल रखो, अपनी जुबान गिल प्यार करो, अपने मुल्क गिल प्यार करो। बिल्कुल उर्दू हमारी कौमी जुबान है, उससे बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलाना चाहिए, होना चाहिए। जो बच्चे हमारे यूरोप पढ़न जावा, वो आइट्स करके जावा, उनसे अंग्रेजी जुबान चंगी तरह आनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर अपनी जुबान कदी ना भूलो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।